तो घूम कर आने के बाद घर का खाना, ओ माय गॉड, जो मजा देता है ना, बस मैं आप लोगों को क्या बताऊं। कोको, अरे मेरा बच्चा कितना खुश है ना। और कोको भी बहुत अच्छे से रहा, कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत अच्छे से उसने खाया पिया, मजे किए। और अब हम लोग घर का खाना खा रहे हैं इतने दिनों बाद, ओ माय गॉड, बड़ा अच्छा लग रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का दिन जो है वो बहुत खास है, किसके लिए? इनके लिए। कैसा लग रहा है आपको आज आपका डिप्लोमा मिल गया? अच्छा लग रहा है। तो आज इनका डिप्लोमा जो है वो मिल चुका है, आज इनका कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो आज ये जा रही हैं हमारे पास से, बट ये बीच बीच में फिर भी आएंगी अभी, क्योंकि इनको प्रैक्टिस करनी थी। बट ये ना बच्चे हैं इनके, शादीशुदा हैं ये, तो जाहिर सी बात है भाई, देखो शादीशुदा लोगों के साथ में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है इस चीज की, तो बीच बीच में आया करोगी, है ना? हाँ, तो बीच बीच में ये प्रैक्टिस के लिए आएंगी, बट इनका डिप्लोमा हम लोगों ने दे दिया क्योंकि इनका एक साल कंप्लीट हो गया और इनको बहुत अच्छे से सब कुछ आया है। मतलब जितनी भी चीजें अभी तक मैंने इनसे कराई थी, पार्लर का जितना भी काम हम लोग इनसे कराते हैं और जो इन्होंने सीखा है अभी तक, वो सब कुछ आ गया। अच्छा लग रहा है? बहुत लग रहा है कि आगे। I am so happy. हाँ, लगा के कोर्स कंप्लीट हो गया तो लग रहा है बिल्कुल ब्यूटिशियन बन गई तुम अब, है ना? अब कब तुम अपना पार्लर खोलने वाली हो? पता नहीं, फीता काटने के लिए बुलाऊंगी। तो हम इनका रिबन काटने के लिए जाएंगे भाई। देखो ये हमें बुलाती कि नहीं बुलाती, ये पता है, देखो वीडियो में कमिटमेंट कर रही है इस चीज का कि हमें डिप्लोमा बुलाएंगी रिबन काटने के लिए अपना। हाँ बिल्कुल, अच्छे से पार्लर खोलो, हमारी तो यही दुआ है, अच्छे से पार्लर खोलो और अच्छे से चलाओ, ताकि हम भी कहें कि हमारा एक स्टूडेंट ने और पार्लर खोला। और इसीलिए लेडीज को सिखाया भी जाता है भाई, देखो लड़की सीखे चाहे लेडीज सीखे, सीखा इसीलिए जा रहा है कि कल को अपना पार्लर खोलो और हमारा भी नाम रोशन करो कि हमने आप लोगों को पार्लर सिखाया। तो आज सुबह सुबह जो है वो ये ग्रैंड ग्रैंड काम हम लोगों ने करा, जो मुझे देख कर बहुत अच्छा लग रहा है। सही है, तो अभी हम थोड़ी सी पार्टी करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। समोसा पार्टी, चाय के साथ में कोल्ड ड्रिंक कैसे पियेंगे भाई? समोसा चाय तो चलो सही है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक का मामला गड़बड़ हो गया क्यों भाई? अभी अरे डिप्लोमा मिलने की खुशी में पार्टी दे रही हो? हाँ। ये देखो डिप्लोमा मिलने की खुशी में पार्टी मिल रही है भाई, समोसा पार्टी चल रही है डिप्लोमा मिलने की खुशी में। आज हमारे घर आई है कैटी। हेलो बेबी। पता है कोको क्या कर रहा है? उसको ये लग रहा है क्या चीज आ गई। सुंगाई है खुशी, पकड़ के सही से सुंगाना, पकड़ो सही से, पहले पकड़ो, देखो क्या करता है, डर रही है, डर उससे। हाँ डर रही है उससे, अच्छे से गोदी में को ले लो ऐसे ऐसे ही। हाँ ऐसे ले लो। हाँ कितनी म्याऊं म्याऊं बोल रही है। कोको कौन है? कोको कौन है? कोको कौन आ गया घर में हमारे? देखो देखो इसको ना ये लग रहा है कौन किसे ले आए। हाँ तो कुछ नहीं, कूदने तो दे, कूद ही तो रहा, देखना देखना भाई उदास हो जाएगा थोड़ी देर बाद के मेरे घर में कौन आ गया। म्याऊं म्याऊं, थोड़ा सा छोड़िए कुछ। मम्मी नहीं। क्यों नहीं? अरे कुछ नहीं करेगा बेटा, वो नहीं मुंह में नहीं भरेगा, सूंघेगा बस, यहीं पे पिला दे, यहीं पे मुंह नीचे करवा के बस ऐसे पिला दे, या डालो ट्रे में। देखो 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 उसे लग रहा है पता नहीं क्या खिला रहे पिला रहे हैं। नहीं पी लेगी, रख देना इसको, इसी को पिलाते रहना दिन में भी। खुशी देख उदास होकर बैठ गया वो। वो हमारे किचन में देखो कैसे बैठी है। हाँ कोको कौन आ गया हमारे घर? वे कोको से नहीं दोस्ती करवा रहे क्या? कोको हमारा बहुत सीधा है, बहुत अच्छा बच्चा है। नो नो नो, पानी उधर, पानी उधर। ये हमारे यहाँ पे एक पार्लर पे एक स्टाफ के घर पे है, तो आज हम लोगों ने ना उनसे मिलने के लिए बुलवाई थी, ये उनके घर पे ही है ये। कोको क्या मतलब? उसको एक्साइटमेंट है ना बेटा, उसको लग रहा है ना, उसको थोड़ा थोड़ा सुंगा दे ऐसी गोदी में, उसको सुंगवा ऐसे सही हो जाएगा बिल्कुल। मुंह में नहीं भरेगा वो, सिर्फ सुंगवा उसको पास को लाके, ये कुछ भी नहीं करने का, अपने गोदी में पास नहीं, तुम छूने दोगे तो करेगा। उसे अपने गोदी में पास हाँ छोड़ना नहीं।
देखो हमारा कोको कितना समझदार है बेटा, कुछ नहीं करेगा वो, देखो कितना समझदार है ये, सिर्फ बैठा है और वो खुशी की गोदी में बैठी है और सिर्फ सूंघ रहा है उसे, कुछ नहीं कर रहा कुछ भी। और कोई डॉगी होता ना तो मुंह में भरक ले जाता। ये बेटा हमारे संस्कार हैं इसके अंदर, ये हमारा कोको है ना कोको, कोको कोको कौन है ये, कोको कौन है ये, कौन है बेटा ये छोटी बेबी है, हाँ छोटी बेबी है, इसको कुछ नहीं कहना बिल्कुल भी, हाँ कुछ नहीं कहना मेरा बच्चा, और कह ही नहीं रहा मेरा तो बच्चा कुछ भी, मेरा बच्चा तो बहुत समझदार है, इतना अच्छा इतना प्यारा बेबी नहीं मिल सकता दुनिया में कोई भी। हाँ देखो बैठा हुआ सिर्फ उसे देख रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा बिल्कुल, है मेरा बच्चा, इतना प्यारा बच्चा तो कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में, ऐसे ही तुम लोग बनो। देखा जबकि वो कैट है, वो डॉग है, कैट की और डॉग की पता है 36 का आंकड़ा रहता है। नो वो कुछ नहीं, तो बैठ रहा है बस, देखिए भाई मुंह लटका के बैठ गया, खुशी ने उसे गोदी ले रखा मुझे नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी, मेरा बच्चा बहुत प्यारा है। तो आज ही पूरे दिन यही चलेगा क्योंकि ये पूरे दिन हमारे घर पे रहेगी, क्योंकि ना वो जो लेकर आई हैं वो सुबह से शाम तक रहती हैं, सुबह 7 बजे से, मतलब सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, तो ये तब तक हमारे साथ रहनी है। सूंघने तो दे, कुछ नहीं कहेगा, सूंघो सूंघो कोको, कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, सूंघो तुम, मैंने मना किया ना, ये लड़की ना बहुत बदतमीज है। तो आज पूरे दिन यही चलेगा, बाकी आप लोगों को हम दिखाएंगे कि दिन में ये क्या करता है इसके साथ। कैटी को पार्लर में लाके दूध पिलाया जा रहा है, हाँ। कैटी को दूध पिला रहा है, बड़ी प्यारी लग रही है, हाँ। और देखो निप्पल से पी रही है, वो भी निप्पल पकड़ के, वही तो मैं कह रही हूँ, वो भी पकड़ के निप्पल से दूध पी रही है, निप्पल भी पकड़ रखी है, छोड़िए तो छोड़िए जरा, देखो देखो, हाँ बिल्कुल हाथों से पकड़ रखी है, ये बहुत ही भूख लग रही है, ऐसे पीना था तरीके से दूध, तुम लोग उल्टी सीधी तरीके से पिलाए जा रहे हो, हमने तो उसमें पिला दिया था, किसमें, हाँ कटोरे में, इस ऐसे वाले उसमें पिला रहे थे ये लोग, लेकिन क्या कहते हैं ऐसे में पिलाना नहीं था ना, इसमें वो ज्यादा मैंने पड़ा कर दिया, नहीं तो एक घंटे एक डेढ़ घंटा लगाती है इसमें जो छे, एक डेढ़ घंटे तक मैं लेके बैठ जाती, देखो अरे अरे पेट भर गया, नींद पेट भर गया, नींद आ रही आप, लेकिन अपनी निप्पल छोड़नी भी नहीं है, ओए मेरा बच्चा, हाँ अब उसको नींद आ रही है, उसको नींद आ रही है, कितनी प्यारी है, हाँ छोटे छोटी सी बोतल है इसकी दूध की, तेरा काट ना ले वे, मियाओ निन्ने आ गई है, ये बाहर अपने मेरे हस्बैंड जूता खोलता है ना, इसको छोड़ना नीचे फर्श पे छोड़ो, रहती है एक दिन उन्होंने पहन लिया वो छोड़ दिया फर्श पे, छोड़ ये लड़ने लगी, अच्छा हाँ थोड़ी देर ना इसको चलने फिरने दो, जूते के लिए लड़ रही, हाय बच्चा, ओके भूख लगी, हाँ कैसी लड़की है, एक दिन भूल गई नहीं भूली नहीं है, मैंने दूध पी रही है, थोड़ी को थोड़ा सा ऊपर को उठा बोतल, तो ऊपर को उठा, अरे बोतल बेटा, हाँ आना तो चाहिए, ऐसे ही खुशी दूध पिला रही है किट्टी को, खुशी दूध पिला रही है, कितने मजे से पी रही है, देखो ये बस ऐसे रखो तो ये पीती चल जाएगी, अभी छोटी बच्ची है ना बहुत, खुशी कैसी लग रही है दूध पीती हुई, बहुत अच्छी लग रही है, आज तो खुशी का पूरा दिन इसी में निकल गया, देखो इन्हें बच्चों को ना चैन नहीं है, क्या कर रहे हो तुम, क्या मंगाया तुमने, ये मैं अभी बिल्कुल पार्लर से आई और उसके बाद देखा तो ये लोग पिज्जा ऑर्डर करे बैठे हैं, और ये क्या टाकोज, कौन सा वाला टाकोज है ये, वेज, और ये क्या चीज है, मेरे लिए भी कराया कुछ, मैंने तो KFC का कराया था तुमसे, KFC का भी कर दिया, KFC का भी कर दिया, और यहाँ से भी मंगा लिया, और इसकी देखो इसकी पागल की कोको की, खोलिए कुछ, ये एक पता नहीं, एक अलग से जीव आ गया ऑर्डर के साथ, लाइन में बैठा हुआ, ये है चिकन बीन्स, और ये क्या है, ये है मेरा पनीर, तो ये देखो कैसे इंजॉय कर रहे हैं, और मेरे पापा क्या कर रहे हैं, पापा तुम क्या कर रहे हो, क्या है, हम सीले सीले हो रहे हैं, तो तुम ये चिप्स क्यों भून रहे हो, तुम्हारे लिए जब अच्छा खासा है सब कुछ, क्यों कुछ ना, क्यों पिज्जा में से खाओ ना, हेलो मेरी सोना को कोई कुछ नहीं दे रहा क्या, मेरी सोना को कोई कुछ नहीं दे रहा क्या, वो मेरी सोना को पिज्जा भी नहीं दे रहा तुम लोग गंदे बच्चे। तो हमारा KFC का ऑर्डर भी आ चुका है, आज हम लोगों को क्या हो गया, पापा ने क्या ऑर्डर करवाया, अभी चाप, पापा ने अभी चाप करवाई है, हमारे सबके ऑर्डर अलग अलग क्यों चल रहे हैं आज, हम सब पागल हो गए हैं,
देखो मैंने KFC का भी मंगा लिया है, क्या क्या निकला है दिखाना। ये शायद स्पाइसी हो तो ना। अच्छा, और दूसरा वाला, और कोको ना सबके पास बेचैनों की तरह घूम रहा है, निकाल दो, फाड़ देना पूरा। हाँ, ये हॉट एंड क्रिस्पी होगा। अच्छा, बस यही सब है। कोई आवाज लगा रहा होगा ना उधर से। हाँ, जाओ खुशी, ध्रुव एक बर्तन लेके आओ। क्या हो गया मेरे बच्चे को, क्या हो गया, क्या हो गया? देखो इसको लग रहा है कोई नीचे आया है। नहीं है स्टूडेंट, नहीं। तो ये है क्रिस्पी चिकन, और ये इसमें प्लेट में को निकालना, ये वाला। मैं नहीं, ऐसे करके बस इनको डालना है बेटा, देख ऐसे करके बस डालना है। तो देखो बालक छूने को भी तैयार नहीं है। कोको हटो, डालो। अबे मुर्गी है, तुझे नहीं पता। ये है तंदूर, 4 पीस। वाह, देखे देखे मुंह कैसे बिगाड़ना है बालक, देख रहा तुम, मतलब कितना नाटक दिखाते हैं। तो ये है मेरा ऑर्डर जो मुझे खाना है, सारा तो मैं एक साथ नहीं खा पाऊंगी, थोड़ा थोड़ा खाऊंगी, थोड़ा कल खाऊंगी। क्या हो गया, क्या हो गया? ये जीप लपक के ले रही है, अब वो वहां से बैठी हुई हंस रही है। तो पापा का ऑर्डर भी आ चुका है, एक के बाद आपको एक ऑर्डर दिखा रहे हैं हम। ये जोमेटो से मंगाया है इन लोगों ने, तो आज डोमिनोज, जोमेटो, KFC, क्या करा तुम लोगों ने आज ही पापा के साथ? इससे बढ़िया तो हम जाके होटल में खा के आ जाते। सबके लिए अलग अलग ऑर्डर हो रहा है, अब इनके लिए चाप आई है। पापा वही चाप है ना, देखो वहीं से ऑर्डर करी ना, बिल्कुल वही है जो पापा की फेवरेट। अरे हाँ, और इतने का तो खा के आ जाते घर से, लेकिन आज मतलब होटल से घर से खा के आते। नहीं बताओ तुम मुझे जरा, क्या कर रहे हो तुम लोग भी? और घर पे भी रोटी बनी रखी है, आलू टमाटर कौन खाएगा? वो सुबह बनेंगे, सुबह बनेंगे, बने तो रखे बनेंगे। रुमाली रोटी, ये तो हम लोग ऐसे ही हैं सब, मेंटली थोड़े से हिले हुए, पूरी फैमिली है ना खुशी, थोड़ी मेंटली हिली हुई पूरी फैमिली है अपनी। हमारे घर में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता है, तो इंजॉय। प्लान था डोमिनोज का, हाँ, फिर क्या हुआ, बन गया जोमेटो का, डोमिनोज का, KFC का। कोई बात नहीं, अब आराम से इंजॉय करके खाओ, मजे लो।